तो यहीं पे हमारा फार्म बनेगा और इस बार फार्म बहुत बड़ा बनने वाला है। तो हेलो एंडर्स के साथ आज हम वापस निकलने वाले माइनक्राफ्ट, और हम लास्ट चैप्टर में घर आए थे और हमारी कैटी वापस आ गई थी, बट मेरा पैरेट चला गया था जो कि मैंने खो दिया था एक्चुअली, क्योंकि रास्ते में वो गायब हो गया। बट जब मैं वापस गया चेक करने के लिए पैरेट को कि कहाँ घूमा था वीडियो के जरिए से, जहाँ जहाँ से मैं आया वहाँ देख देख के मैं वापस गया, तो पता मुझे क्या मिला? यस, मुझे मेरा पैरेट वापस मिल गया। तो ये पैरेट आज फिर आ गया हमारे पास वापस। ये बहुत अच्छा पैरेट है भाई, वापस आ जाता है वो हमारे पास। आई वो कंधे बैठेगा यार, इसे नहीं बिठा लगा क्या? क्रीपर की आवाज़ निकाल रहा है, नीचे उतर, बैठनी नहीं चाहिए। तो आज क्या करना है, आज हमें एक ऐसा फार्म बनाना था जो तुम्हें पिछली बार मैंने बताया था कि हम आज बैम्बू का फार्म बनाने वाले हैं, लेकिन कहाँ बनाना है वो मैं बताता हूँ तुम्हें। यहाँ पे बहुत जगह खाली थी तो मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ फार्म। ये थोड़ी मार्किंग है, ये जो पत्थर लगे हैं ये थोड़ी मार्किंग कर रखी है, तो यहीं पर हमारा फार्म बनेगा और इस बार फार्म बहुत बड़ा बनने वाला है। पिछली बार जब शुगर केन का फार्म बनाया था तो उसमें हमारे पास रिसोर्सेज कम थे, हमारे पास आयरन खत्म हो गया, लेकिन ये देखो इस बार आयरन ही आयरन है हमारे पास बहुत ज़्यादा। तो अब हम आयरन का फार्म तो बन चुका है, अरे उसका फार्म बनाएंगे अब बैम्बूज का। ठीक है, तो हमने बैम्बूज ले लिया और अब हम चलते हैं अपना फार्म बनाने के लिए। बट उससे पहले हमें पिस्टन बनाने हैं, तो मैं आ जा रहा था आयरन लेकर आता हूँ बाहर से। तो क्या, तो पिस्टन के लिए क्या चाहिए होता है भाई? अरे पिस्टन नहीं है, पिस्टन है। ठीक है, तो हमने पिस्टन अपने बना लिया। अब हमें चाहिए डर्ट, पहले सबसे पहले डर्ट हमें चाहिए। देन यहाँ पे अपनी डर्ट लगेगी ऐसे करके, ऐसे। उसके बाद यहाँ पे लगेंगे बैम्बूस, बट यहाँ पे एक आएगा, देन यहाँ पे लगेंगे हमारे पिस्टन्स। ओके, ऐसे करके अब हमें यहाँ पे पिस्टन लगाने। एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ है ना। हाँ, अगर यहाँ पे लग रहा है तो यहाँ पे पिस्टन नहीं लगेगा ना, तो हमें ये वाला ब्लॉक आगे करना पड़ेगा, एक ऐसे करना पड़ेगा। तो हम थोड़ा सा इसे ना आगे कर रहे हैं क्योंकि फिर पीछे पानी ज़्यादा हो जाएगा, तो इसे थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा। गड़बड़ होगी यार, मेरे मार्किंग गलत पड़ गई। पहले ना मैं एक्चुअली ना एक बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि कैसे बनना है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा बनना कैसे है। तो मैं ज़रा ऑब्जर्वर बना के लाता हूँ और देखता हूँ कि कैसे बनेगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कैसे बनाना है, मेरा दिमाग घूम रहा है ये। चलो ऑब्जर्वर हमारे बन गए, अब देखते हैं भाई कैसे बनना है। वो आयरन ही आयरन निकल रहा है यहाँ से, तो भाई मैं यहाँ पे ना वो लगा देता हूँ एक्चुअली ये बैम्बूस, बाकी उगते रहेंगे ना। अब यहाँ पे लगेंगे हमारे ऑब्जर्वर, नहीं यहाँ पे लगेंगे, यहाँ पे। ठीक है, बस वायरिंग का ध्यान रखना है कि वायरिंग नीचे तक पहुँचानी है तुम्हें। अब कैसे वायरिंग आएगी वो भी बता ही देता हूँ मैं। वायरिंग कैसे आएगी वैसे यार, वायरिंग के लिए मुझे एक पीछे जाना पड़ेगा। हाँ ऐसे ऐसे, ठीक है ऐसे था ना कुछ, नहीं नहीं नीचे लगाना, सॉरी ऐसे लगानी है, ऐसी थी ना कहते, फिर मैं गलत कर रहा हूँ। मैं चेक करके आता हूँ कैसा बनाया मैंने उधर, वायरिंग कहाँ लगी ऑब्जर्वर में, मुझे समझ ही नहीं आ रहा वायरिंग कहाँ से लगेगी। ओ अच्छा, हमें ऊपर नहीं लगानी, हमें पिस्टन के पीछे लगाना है पत्थर, समझ गया। तो यानी कि यहाँ पे वायरिंग नहीं आएगी ना। अरे अरे अरे, ये ज़्यादा ही फास्ट ना है। या तो मुझे ना इस यहाँ पे इस ऑब्जर्वर को एक नीचे कर देना चाहिए, तो ढंग से बन जाएगा। चलो यही करते हैं। मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं ना ऑब्जर्वर को नीचे कर दे रहा हूँ, पिस्टन के ऊपर रख दे रहा हूँ, ताकि और लेयर ऊपर बढ़ा दूंगा इसकी। मैं समझाता हूँ क्या कहना है, कोशिश कर रहा हूँ मैं इस पिस्टन को, एक सेकेंड, मैं इस ऑब्जर्वर को ऐसे लगा देता हूँ। तो अब हमें यहाँ पे एक ऐसे छोड़ना है, देन यहाँ पे लगाना है। देखो काम कर रहा है अब। ओके, एक और गड़बड़ कर दी मैंने, मैं जो इसके इस ये जो है ये पूरी नीचे से लगानी चाहिए थी, मैंने डर्ट नहीं लगानी थी यहाँ भाई, वो गड़बड़ होगी, मुझे इसे नीचे करना है क्लियर। ठीक है, एक तरफ का तो तैयार हो गया, अभी यही चीज़ हमें इस तरफ बनानी है। ये हटाओ पहले, ये दिमाग ख़राब कर रहे हैं मेरा। ठीक है, तो अब हमें एक और लगानी है और ये लगेगी यहाँ पे, देन यहाँ पे एक ये, फिर पिस्टन एंड देन ऑब्जर्वर इसके ऊपर। बट मुझे चेक करना है कि ऑब्जर्वर का जो करंट जाएगा वो इससे लगेगा तो नहीं, इस वाली लग जा इससे, अरे लगेगा ना। हाँ ये चेक, कनेक्ट हो गया, कनेक्ट ही तो नहीं करना था। ठीक है, मुझे पता है क्या करना है, मुझे एक लेयर आगे बढ़ा देना इसे, देन ऐसे, ठीक है ना। हाँ ये परफेक्ट है। अब हमें ऐसे पांच लगाने, तो एक लग गया, अब चार, एक तीन चार पांच। ठीक है, सबके पीछे पिस्टन फिट करो। ठीक है ना, इतना कंप्लीट हो चुका है, अभी और काम है। अब हमें इधर की साइड यही काम करना है। तो अब हमें ऐसा करना है कि इस पे इस ये वाला करंट इससे कनेक्ट ना हो, मतलब जो इधर बनेगा, जो मेरी मार्किंग गड़बड़ कर दी पूरी मार्किंग ने, मुझे लगा रहा आराम से बनेगा यो, तमाही मचा दी इसने यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमें इधर की साइड बनाना है, तो मैं लगाने जा रहा हूँ यहाँ पे एक
ये, फिर यहाँ पे एक ये, देन इसके ऊपर चढ़ के ऑब्जर्वर, या एक सेकंड ऑब्जर्वर लगाऊंगा तो ये कनेक्ट होगा ना। हाँ हमें एक आगे करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे बस एक बार ये कनेक्ट बन जाए ना, फिर ऊपर की लेयर तो बहुत आसानी से बन जाएंगी। नीचे नीचे का दिक्कत आ रही है क्योंकि ये रेडस्टोन जो है ना वो कनेक्ट नहीं करना, कनेक्ट होगा तो चारों एक साथ चल जाएंगे, बस दिक्कत यही हो जाएगी। अगर चारों एक साथ चलेंगे तो आधी ग्रो होंगी यानी आधी ग्रो ही नहीं होंगी। ठीक है, ये वाली लेयर भी कंप्लीट हो गई, अब बस एक और बनानी है इधर। ठीक है, प्योर डन हो चुका है भाई। अब बस पहले मैं सोच रहा हूँ कि इसे ना चेस्ट से कनेक्ट कर दूँ, क्योंकि फिर ये बहुत इधर उधर गिरती रहेंगे और ये बहुत वेस्ट होगा, तो मैं इसे चेस्ट से कनेक्ट करने की सोच रहा हूँ। पहले चेस्ट से कनेक्ट कर देते फिर हम चलेंगे। तो मुझे चाहिए अभी हॉपर, बट मुझे हॉपर अभी भी पता है कितने चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे माइनगार्ड विथ हॉपर चाहिए। एंड माइनगार्ड पड़ी है क्या? तो माइनगार्ड विथ हॉपर, ये माइनगार्ड पड़ी है, उन्हें हॉपर में बना सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे चाहिए, माइनगार्ड विथ हॉपर बन गया। अब मुझे चाहिए दो चेस्ट एंड रेल की पटरियाँ तो पड़ी होंगी मेरे को बहुत सारी, तो हमें ये वाला तोड़ना है, ये वाला, इस वाली लाइन पर हमें पटरियाँ लगानी है। ठीक है भाई, ये तो हो गया, अब मुझे बस पटरी फिट करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से हमारी चेस्ट आएगी, तो हमें एक ब्लॉक और नीचे जाना पड़ेगा, देन हमें ये तोड़ना पड़ेगा। एक सेकंड, ये तोड़ेंगे तो पूरी, अच्छा हाँ हमें यहाँ पे वो लगनी है ना, समझ गया समझ गया। अब मुझे हॉपर भी चाहिए, फिर मुझे चाहिए दो तीन हॉपर्स, और अब भाई छः बना दिए मैंने। ओ भाई मेरे दो चेस्ट थी, मैंने जो कलेक्ट के लिए चेस्ट बनाई थी उनके भी हॉपर ही बना दिए। कैसे लगेगा हॉपर? अरे मैं फंस गया यार। एंड दूसरा हॉपर लगेगा ऐसे। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पे लगानी है डर्ट, देन हमें वो लगा देनी है लकड़ियाँ, अरे के पटरियाँ। अब चाहिए हमें माइनगार्ड विथ हॉपर, देन ये पुश करनी है, इसे पुश कैसे मिलेगा, इसे लग जा भाई, चल, अरे चल ना भाई, यो कैसे चलेगी, धक्का दो इसे, लग गया। एक्चुअली ना मुझे पेड़ लेने जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पेड़ नहीं है मेरे पास, और पेड़ प्लैंक्स की हमें चाहिए, ज़रूरत पड़ेगी अभी। मैं जल्दी से पेड़ लेकर आता हूँ दो तीन। यो बहुत मस्त चीज़ है भाई, यो सीढ़ियों से भी ज़्यादा मस्त है। जो सीढ़ियाँ होती हैं ना उन पे तुम्हें चढ़ना पड़ता है, इस पे तो खाली तुम खड़े हो जाओ या आराम से तुम्हें ऊपर पहुँचा देगी, मतलब फ्लोर के ऊपर। मैं सोच रहा हूँ मैं अपने घर के पास ना थोड़ा सा एक ये पेड़ की ना सैपलिंग लगा दूँ, मेरे घर के पास ही उग जाएंगे, मुझे यहाँ तक आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी यार, यो ही करना पड़ेगा अब। ठीक है भाई, कितनी होगी, दो स्टैक, ढाई स्टैक होगी, इतने इनफ रहेंगे भाई, मैं थक गया पेड़ तोड़ तोड़ के। मेरे साथ है ना सैपलिंग, यो घर पर पेस्ट करूँगा मैं जाके, घर पे बो दूंगा इनको, आ जाएंगी वहीं पे पेड़ उगेंगे, मैं वहीं से तोड़ा करूंगा, इतनी दूर आने की झमेला नहीं है भाई। ठीक है, तो अब हमें पहले सबसे पहले क्या करना था, मैं चेक कर लूँ, मैं कर क्या रहा था, अरे निकल, फंस गया था भाई भैया गेट में, ज़्यादा मोटा हूँ क्या मैं? ठीक है, आई थिंक मैंने वो शीशे बनने के लिए डाल दिए थे या नहीं डालते, अरे नहीं डाले भाई शीशे बनने, ना डाले मैंने अभी, क्या कर रहा तू, सेंड सेंड सेंड। और अब मैं तुम्हें बताता हूँ एक और चीज़, अरे अरे कहाँ घुसे जा रहा हूँ मैं, ये मैंने साफ़ कर दिया एक्चुअली तो पहले, और ये मैंने कैक्टस लगा रखे हैं इधर, क्योंकि मुझे चाहिए ग्रीन डाई, एंड ग्रीन डाई बनती है कैक्टस से, तो इसीलिए लगे हैं बस, ज़्यादा कुछ नहीं है। तुम्हें क्या लगा मैंने क्या सोने ओने का फार्म बना दिया कतई? एंड अब तुम लोग सोच रहे हो कि ये 18 से कैसे बना लेगा, कि 18 से 18 ही डाई तो आएंगी, उससे 18 डाई से क्या बनाएगा, 18 डाई से हम बनाएंगे कॉन्क्रीट। ठीक है, क्योंकि कॉन्क्रीट बहुत सही लगता है यार देखने में भी। तो हमें एक और लेयर ऊपर बनानी, तो उसका बता दो कैसे बनेगी वो, तो हमें यहाँ पे ऐसे करके एक लगाना है, देन ये तोड़ देना है। इसके बाद हमें यहाँ पे हमारे पिस्टन्स लगने वाले हैं, एंड वेर इज पिस्टन्स, मैं रख कर आ गया भाई, बहुत बढ़िया काम करता हूँ मैं वैसे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी आधी चीज़ें बनी नहीं है? ओ कोयला ख़त्म हो रहा भाई, कोयला। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पे ये लगाना है इसके ऊपर, देन यहाँ पे हमें लगानी है ये दो तीन ऐसे करके, एंड मैं भाई वो रख कर आ गया अब बैम्बूस, या आधे काम क्यों करूँ मैं? वैसे पता है लाइट लगाने का एक फ़ायदा हुआ है कि मेरे जगह पे ना देखो ज़ॉम्बी बिल्कुल से स्पॉन नहीं हो रहे थे, क्या बात है क्रीपर। अब हमें यहाँ पे लगाने ऑब्जर्वर ऐसे 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 एंड रेडस्टोन, फिर ऑब्जर्वर एंड फिर रेडस्टोन, फिर ऑब्जर्वर फिर रेडस्टोन, फिर ऑब्जर्वर, अरे बस कर भाई, अरे बस कर भाई। ठीक है, तो दो लेयर कंप्लीट होगी, एक लेयर और ऊपर करनी है, फिर हम
बाकी का काम करना है कंप्लीट। तो अभी पहले हम जाके थोड़े से वो लेकर आने, मुझे बैम्बूज, लेकिन बैम्बूज तो मुझे यहीं से मिल जाएंगे। यो रे, जो मैं ऑटोमेटिक बनाने की कोशिश कर रहा था, मैं खुद ही बटोल रहा हूँ इधर उधर से। ठीक है भाई, काम कंप्लीट हो गया, बट अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। अभी हमें एक लेयर और ऊपर लेके जानी है, तो हमें यहाँ पे फिर से एक करना पड़ेगा जो नीचे हमने करा है, सेम डिटो। ठीक है भाई, यो सारा काम कंप्लीट हो गया ना। ठीक है, मैं पहले खाना खाऊँ। अब मुझे चाहिए एक्चुअली गिलास, क्योंकि गिलास से दिखेगा, ट्रांसपेरेंट होंगे ना गिलास, तो गिलास से दिखेगा, तो मुझे इसीलिए गिलास चाहिए। और गिलास ना खाली यहाँ यहाँ लगाना मुझे, इनके आगे आगे ऐसे करके, ताकि ये बाहर ना निकले। और उधर भी लगाना है, एक सेकंड रुको, यहाँ पे मैं दूसरा, अरे मुझे कॉन्क्रीट बना ही लेना चाहिए एक्चुअली। ठीक है, तो इस लेयर पे हमें लगाना है ये कॉन्क्रीट, ताकि ये डर्ट दिखे ना। एंड फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा ग्लास। तो मेरे से भाई एक गड़बड़ होगी, मैंने ये एक जगह ला दिया, लेकिन जब ऊपर वाली टूट रही है तो वो ऊपर ही रुक जा रही है, वो नीचे गिर ही नहीं रही, यो गड़बड़ होगी। अब एक आगे ब्लॉक करना पड़ेगा, जब मतलब सारा काम हो गया, मुझे पता चल रहा है यो गड़बड़ है इसमें। तो हमें यहाँ से अब ऊपर जाना है भाई साहब, बहुत गड़बड़ हो रही है यार आज। तो कुछ ऐसा बनाना था मुझे, बट वो आगे लग गया था। अरे यो कैसे लग गया, लगेगा, लग जा, नहीं लग रहा। ठीक है, तो अब तो काम सही से करना चाहिए ना। अरे समझ ना आ रही है, दिमाग खराब हो रखा है। ठीक है, तो रेल क्या करना है मुझे, कि एक और पटरी चलानी पड़ेगी इस वाली लाइन पे, बस ज़्यादा कुछ नहीं है रेल का। तो ठीक है, तो एक जाएगी इधर, देन दूसरी जाएगी इधर, एंड ये दोनों कलेक्ट करके इसमें पेस्ट करती रहेंगी। आ रहा, देखो तैयार हो गया भाई। वो देखो, वो अभी ऊपर है ना, अभी देखो चली गई, ये ले गया ऊपर, एंड ये अब आने लगे इधर। भाई ये पूरा तैयार हो गया, बट अभी बहुत काम बचा है इसमें भी। अभी अंदर का सब साफ करना है मुझे, एंड इधर वाइट कॉन्क्रीट भी लगाना है। तो अभी हम वाइट कॉन्क्रीट लेकर आते हैं। तो अब जो ये वाइट कॉन्क्रीट है ना, ये एक्चुअली, रुक जाओ, हमें इसको कनेक्ट करना है, बंद करना है, यानी कि ऐसे करके, ऐसे, देन एक ऐसे, ऐसे, एंड ऐसे करके हमें ये ऐसे ऊपर तक लेके जाना है। ओके, इट्स गुड, अब हमें इधर भी जाना है, लेकिन मुझे नीचे जाना पड़ेगा यार। मैं नीचे पानी से उतरूँ, बच गया। पार्कौर देख रहे हो तुम, घमंड नहीं करा बस मैंने कभी। A few moments later. मैं कुछ नहीं कह रहा था, मैं पार्कौर के बारे में कह भी नहीं रहा था कुछ। हो गया गाइस कंप्लीट, तो हमारा बन चुका है बैम्बूज फार्म। बहुत मस्त लग रहा है यार, देखने क्या मस्त डिजाइन बनी है। इस वाले की तो कुछ ज्यादा ही मस्त बन गई यार, मैंने इतनी एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि इतना मस्त बन जाएगा यो, बट बहुत सही बना है ये। मतलब इसमें इतनी जान लग गई है ना कि 3 घंटे, यो देखो 3 घंटे हो गए, 3 घंटे से मैं ये बना रहा हूँ, इतना सा जो 3 घंटे में बना है, कोई कहेगा? हाँ कहेगा, मैं कहूँगा 3 घंटे में बनाए हैं। तो प्लीज़ लाइक करके जाना इस वीडियो को, अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, एंड चैनल पर हो तो सब्सक्राइब भी करना। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और गेम में, तब तक लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।